पिछली बार ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम में हमें जान दांव पर लगाकर आखिरी बचे चार रेलिक्स को हासिल करना होगा, उन ओमेगा कीज को। कीज किस लिए? हमारे अपने प्लैनेट को दोबारा जिंदा करने के लिए। एक कब्र? प्राइम्स की लाशों को इन्हीं में रखा जाता है। आखिरकार प्राइम्स की ताकत मुझे मिल ही गई। अल्फा ट्रायोन के दिए चार कोऑर्डिनेट्स अभी तक एनक्रिप्टेड हैं। मैं यकीन से कह सकता हूं कि हर एक कोऑर्डिनेट पर हमें एक ओमेगा की जरूर मिलेगी। मैंने सबसे पहले जो चीज बनाई वो बनी है यूनिक्रॉन के खून से। इसका नाम रखा है डार्क स्टार सेबर। वो रेलिक मुझे दो। तुम्हारा मतलब ये रेलिक? मैं इसे नहीं देने वाला। जब मैंने उसके स्टार सेबर के टुकड़े कर दिए थे तब ऑप्टिमस का चेहरा देखने लायक था। उसी के साथ मैंने ऑटोबॉट्स की जीत का सपना भी तोड़ डाला। फिर भी ऑप्टिमस अब बचे हुए आयाकॉन रेलिक्स को हर हाल में हासिल करने के लिए पहले से ज्यादा कड़ी मेहनत करेगा। तो तुमने दूसरे रेलिक के कोऑर्डिनेट्स का भी पता लगा लिया? काफी तेजी से काम कर रहे हो साउंडवेव। हम उम्मीद करते हैं कि रेलिक सिर्फ नकली ना हो के कोई असली हथियार हो, जैसे एक इलेक्ट्रो डिसरप्टर कैनन। वो मिल जाए तो मजा आ जाए। बेशक नॉकआउट। ड्रेडविंग, जल्द से जल्द वॉरशिप पर लौट आओ। प्लीज लॉर्ड मेगाट्रॉन, इस रेलिक को लाने के काम को मुझे अंजाम देने दीजिए। हैरत है तुम अपने नए पेंट को दोबारा जोखिम में डालना चाहते हो। फिर भी तुम पहले ही फेज शिफ्टर गवा चुके हो, इसलिए मुझे शक है कि तुम इस काम के लिए सही नहीं हो। मेरे पास सही हथियार नहीं था, लेकिन क्योंकि साउंड वेव बिजी है इसलिए उसके जबरदस्त हथियार को मैं उधार ले रहा हूं, ताकि मैं आपके लिए रेलिक तो ला ही सकूं, साथ ही ऑटोबॉट्स को भी सबक सिखा सकूं। मैं एक दिन बहुत बड़ा योद्धा बनूंगा, ऑप्टिमस की तरह। अगर ट्रेनिंग लेते रहे और समझदारी से कदम उठाते रहे तो ऐसा जरूर हो सकता है। वो तो होना ही है, ये मेरी तकदीर में लिखा है। वो कैसे? देखो, एक पल पहले मैं आयाकॉन का सिक्योरिटी गार्ड था और दूसरे ही पल गैलेक्सी की दूसरी तरफ उठते ही मैं ऑप्टिमस के साथ काम करने लगा। ये तकदीर नहीं तो और क्या है, बोलो। इसके पीछे कोई तो वजह होगी ही। हाँ, समझ गए स्मोक स्क्रीन, तुम ना होते तो हमारा क्या होता। नहीं, तुम समझी नहीं, मुझे बरसों बाद ऐसा मौका मिला है और मैं इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता हूं। ऑटोबॉट्स, अगले आयकॉन कोऑर्डिनेट्स का पता लग चुका है। रैचेट, ग्राउंड ब्रिज शुरू करो। जो भी ओमेगा की तक आखिर में पहुंचेगा उसे एनर्जॉन टैंक की सफाई करनी होगी। इसे क्या लगता है, यहाँ कोई खेल चल रहा है? आरसी, बम्बलबी, वहां जाने की तैयारी करो। रुको, पर मेरा क्या? मतलब मेरा और बल्कहेड का? तुम दोनों यहीं रहोगे। हो सकता है कि इनके लौटने से पहले ही मुझे तीसरे कोऑर्डिनेट का भी पता चल जाए। ऑप्टिमस ने सही कहा, इस बार साइबरट्रॉन का भविष्य दांव पर है। एक एक पल बहुत कीमती है। अपना इंजन तैयार रखना, चलो बम्बलबी अपनी तकदीर आजमाए। इसे एक ब्रेक समझ लो, हम जल्द मैदान में उतरेंगे।
वहां पर। क्या है कि आज मेरा तुम दोनों से ही मिलने का मन कर रहा था। मैं इसे देखती हूँ, तुम की लेकर आओ। मैं उन खरोंचों के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना भूल गया था। आज पता चला कि साउंड वेव्स तुम्हें नॉकआउट कर सकता है। कुछ कहा तुमने, मुझे सुनाई नहीं दिया। बम्बलबी, वो रेलिक। अच्छा, पैरों तले जमीन खिसका दूंगा। इतना काफी है या और सबक सिखाओ? ऑप्टिमस ने मेरे हाथों से हूबहू यही रेलिक छीना था। कहीं हमें धोखा देकर असली रेलिक ले जाने की ये ऑटोबॉट्स की कोई नई चाल तो नहीं? नामुमकिन माय लॉर्ड, वरना इसके लिए जान दांव पर क्यों लगाते? फिर तो ये जरूर काम की ही चीज होगी। बहुत अच्छे साउंड वेव, हो सकता है इन अगले कोऑर्डिनेट्स में हम इसके बारे में भी जान पाएं। साउंड वेव के बाद मैं कमाल दिखाऊंगा। मैंने तुम्हें उसे लाने के लिए नहीं कहा। अभी तक आपको मुझ पर शक है? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस नए रैलिक के बारे में सब कुछ पता लगा लोगे। मुझे जानना है कि ये क्या है और क्या कर सकता है। सॉरी ऑप्टिमस, नॉकआउट वहां पर पहले से मौजूद था। लगता है डिसेप्टिकॉन्स भी डिकोडिंग में माहिर हो चुके हैं। और ये भी लगता है कि दूसरी की खो देने के बाद हमें साइबरट्रॉन पर लौट जाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। माना कि इन हालात में साइबरट्रॉन को जिंदा करने की उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी हमें बाकी कीज को हर हाल में हासिल करना होगा। मैं सोच सकता हूँ नॉकआउट किस तरह सोनिक वेव्स फेंक रहा होगा। काश मैं भी वहां होता तो मैं उसे। क्या कर लेते तुम? पिछली बार की तरह ये की भी हासिल कर लेते? शायद, क्या पता। मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता हूँ। और अब तो हमारे पास स्टार सेबर भी नहीं है, और वैसे भी मैं आज तक नाकाम नहीं हुआ हूँ। देखो, आरसी और बम्बल भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है, और ऑप्टिमस सदियों से इस लड़ाई को बिना उस सेबर के ही लड़ते आए हैं। लेकिन तुम उसके बारे में नहीं जानते, क्योंकि जब हम जंग लड़ रहे थे तब तुम स्टेसिस में पड़े हुए थे। बिल्कुल सही कहा, और मैं उसी वक्त की भरपाई करना चाहता हूँ। जानते हो ऑप्टिमस क्या कहते हैं? अगर लंबी दौड़ को जीतना चाहते हो तो कदम धीमे और जमा कर रखना चाहिए। और कितना वक्त लगेगा रफ्तार को बढ़ाने वाले एनर्जॉन को प्रोसेस करने में? आम एनर्जॉन से ज्यादा वक्त कैसे लग सकता है? उतने बड़े रेड एनर्जॉन के टुकड़े से बस इतना ही फ्यूल निकला? ये तो सिर्फ एक डोज हुआ, ज्यादा से ज्यादा दो। डिसेप्टिकॉन कहीं जा रहे हैं। वैसे तो रफ्तार एपिक्स आर्मर जैसे मजबूत हथियार के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन हो सकता है कि इसकी मदद से मैं उस ताकतवर रेलिक को किसी तरह हासिल कर सकूं।
अगले कोऑर्डिनेट्स तैयार हैं। अब बस एक ही डीकोड करना बाकी है। चलता हूं मैं, वकील लेकर ही आऊंगा। बल्कहेड, कुछ भूल नहीं रहे? इस तकदीर वाले पर अपनी नजर रखना, समझे? नीको की वजह से नजर रखने की आदत पड़ चुकी है। साथ रहना और होशियार रहना। समझ गया। क्या समझे? सब कुछ। वो क्या था? उस आवाज को अपनी मौत की चेतावनी समझ लो। ड्रेड विंग। चुको! हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। इसे संभालता हूं, तुम रिलिक ढूंढो। मैं समझ गया। तुम हमेशा बुजदिलों की तरह छुपकर वार करते हो, है ना? लगता है कि सामने से वार करने की हिम्मत तुम में है ही नहीं। अगर तुम मेरे हाथों से मरने के लिए इतने ही उतावले हो तो ये लो। अच्छी कोशिश थी, लेकिन तुम भूल गए पिछली बार मैंने तुम्हारा क्या हाल किया था। नहीं, मैं नहीं भूला। मैं आ रहा हूं। तकदीर। स्मोक स्क्रीन, उठ जाओ। मुझे किसने मारा? मैं भी यही जानना चाहता हूं। वो ओमेगा की, उसे हाथ में लेते ही किसी ने मुझ पर पीछे से वार किया।
लगता है ड्रेडविंग अकेले नहीं था, वो रेलिक तो गया हाथ से। रैचेट, ब्रिज को खोलो। मैंने ऑप्टिमस से कहा था कि मैं की लेकर जाऊंगा। देखो स्मोक, अल्फा ट्रायन ने कहा था कि साइबरट्रॉन को जिंदा करने के लिए हमें चारों कीज की जरूरत है। एक तो हमें मिल गई है, बाकियों को मेगाट्रॉन से छीनने का रास्ता ढूंढना होगा। साइबरट्रॉन को जिंदा करने का जरिया अब मेरे हाथों में है। मुझे चारों के चारों चाहिए। स्मोक स्क्रीन पर पीछे से वार हुआ, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन मेरे साथ नहीं, मुझे होशियारी से काम लेना चाहिए था। सारा दोष मेरा ही है, बड़ा महान योद्धा बना फिर रहा था मैं। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? एक दो जीत हासिल करने से कोई महान नहीं बन जाता, और जरूरी नहीं हर मिशन कामयाब ही हो, चाहे उसमें मैं, बम्बलबी या ऑप्टिमस ही क्यों ना हो। हमने रेलिक्स पाए भी हैं और खोए भी, हमने साथियों को भी खोया है, अपनी दुनिया को भी खोया है, लेकिन इस बार हमें सब ठीक करने का मौका मिला है। हम साइबरट्रॉन पर तभी लौट पाएंगे जब हम सब मिलकर काम करेंगे। हम यहां तुम्हारी तकदीर बनाने नहीं निकले हैं। आरसे, मेरे ख्याल से वो समझ गया है। ऑप्टिमस, मुझे बात करने दीजिए। शायद तुम एक दिन महान योद्धा बन जाओ, और मैं सच में चाहती हूँ कि तुम बनो, लेकिन महान बनने के लिए दूसरों के बारे में भी सोचना पड़ता है, सिर्फ अपने बारे में नहीं। मैं तुम लोगों के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो फिर हीरो बनने की कोशिश करना छोड़ो और एक समझदार ऑटोबॉट बनना सीखो। शायद मैं यहाँ रहने के लायक ही नहीं हूँ। आइंदा अगर ऑप्टिमस तुम्हें चुप होने को कहे तो उसकी बात मान लेना। मैं उसे लेकर आता हूँ। स्मोक स्क्रीन जवान है बल्कहेड, उसे काफी कुछ सीखना है, लेकिन पहले उसे दिमाग को शांत करना है और मुझे अगले कोऑर्डिनेट का पता लगाना है। तुम उस रैली को देख भी नहीं पाए? जिस वक्त मैं उस जगह पहुंचा वो जा चुका था, और वो ऑटोबॉट्स भी। हमें ऑप्टिमस से पहले बचे हुए आयकॉन की एंट्री को डीकोड करना उतना ही जरूरी है जितना कि ऑटोबॉट्स के कब्जे में पड़े हुए सभी रेलिक्स को हासिल करना। साउंडवेव, मुझे यकीन है कि तुम ये भी पता लगा रहे होगे कि ऑटोबॉट्स का बेस कहां छुपा हुआ है। बढ़िया, पहले भी कई बार हम उनके इंसानी साथियों के ठिकानों का पता लगा चुके हैं, इसलिए हो ना हो लेजर बीक को उनका बेस भी उनके घरों से ज्यादा दूर नहीं मिलेगा। आखिरी एंट्री डिकोड हो गई। सच कह रहे हो? हो सकता है कि इसमें एक से ज्यादा लेयर्स हों। कोऑर्डिनेट्स एक तस्वीर बना रहे हैं। आखिरी आयकॉन एंट्री बाकियों से अलग कैसे हो सकती है? शायद ये उस रेलिक की तस्वीर हो। लेकिन हम तस्वीर देखकर उसके ठिकाने का पता कैसे लगा पाएंगे? अल्फा ट्रायन ने किसी वजह से ही ऐसा किया होगा। स्मोक स्क्रीन, प्राइम का नया साथी आयकॉन का आखिरी रेलिक है। कहीं ये उसी का कोई जोक तो नहीं है? शायद वो जानता है कि की कहाँ है, पर वो ये बात छुपाएगा क्यों? और ये भी मुमकिन है कि स्मोक स्क्रीन खुद ही वो की है और उसे इस बात की अब तक खबर ही नहीं है। बात जो भी हो, उसकी जान को खतरा हो सकता है। स्मोक स्क्रीन, बेस पर लौटो इसी वक्त। उसने कॉम लिंक डीएक्टिवेट कर दिया होगा। पता करो कि वो कहां है और ग्राउंड ब्रिज भी तैयार करो। आई
लगता है तुम्हारी मेहनत रंग लाई साउंड वेव। तुम बहुत गलत वक्त पर मुझसे उलझ रहे हो। स्मोक स्क्रीन नहीं।